हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा क्लास 12 एक्सरसाइज 19.6 का क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये गिवन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक 2x प्लस 3dx, ये दिया हुआ है, इनका इंटीग्रेशन कहता है। तो इसमें जो है वो हम यानी कि चलिए इनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको हम बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला होता है लॉग मोड, ये होता है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यही तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है वह हम यानी कि इनका कोसेक, इनको हम एक्स मान लेते हैं, तो ये कोसेक एक्स इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग मोड, ये कोसेक एक्स के स्थान पर ये 2x प्लस 3 है, माइनस कोट ये 2x प्लस 3 हो जाएगा प्लस सी। और ये देखिए x कोफिशियंट कितना है, तो ये 2 है, ये 2 से जो है वह पूरे को जो है वह डिवाइड कर देंगे, ये जो है वह 1/2 लॉग, ये हमारा हो जाएगा कोसेक ये 2x प्लस 3 माइनस कोट ये 2x प्लस 3 और ये मोड बंद और ये सी, ये जो है वो इसका फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है, उनको हम पहले लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो है वह हम यानी कि ए इक्वल टू जो है वह हम यानी कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं वह आपको हम पहले बता देते हैं, और फिर जाके जो है वह इनको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम क्या यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इनके अंदर में जो है वह ये जो है वह कुछ फॉर्मूला पे आ जाए, वह फॉर्मूला यानी कि जो आपको हम बताए थे कि यानी कि 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस माइनस साइन एक्स रहता है, तो साइन के बदले में जो है कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम जो है वह क्या हम इनको ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वह हम यानी कि ये जो है वह √2 से यानी कि इनको मल्टी यानी कि ये जो है वो 1/√2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं √2/√2 और ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए √2/√2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो √2 है और ये √2 तो ये कैंसिल होकर तो 1 ही आ जाएगा। तो अब देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय, ये देखिए ये ऊपर में जो है वह √2 है, तो इनको ऐसे ही रख दीजिए और ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1/√2 कोस एक्स माइनस ये 1/√2 साइन एक्स, ये इतना हो जाएगा और ये डी एक्स है तो ये डी एक्स। अब देखिए, ये 1/√2 के स्थान पे जो है वह हम कोस पाई बाय 4 लिख सकते हैं क्या, ये देखिए 1/√2 कॉन्स्टेंट है तो इनको बाहर कर दीजिए, बाहर कर दिए तो ये ऊपर में बचा हुआ है डी एक्स बट्टे, ये देखिए 1/2 के स्थान पर हम कोस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस पाई बाय 4 का वैल्यू जो होता है वह 1/√2 होता है, इंटू ये कोस एक्स है तो कोस एक्स माइनस, ये देखिए ये 1/√2 के स्थान पर हम साइन पाई बाय 4 इंटू ये साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये देखिए, ये कुछ फॉर्मूला पर बन गया, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी होता है। तो ये देखिए, ये 1/√2 ये जो है वह डी एक्स बटे, ये जो है वह कोस ए प्लस बी पर आ जाएगा, कोस एक्स प्लस पाई बाय 4 फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, ये 1/cos क्या होता है, तो 1/cos तो होता है वह sec होता है, तो ये 1/√2 sec ये एक्स प्लस पाई बाय 4 और ये डी एक्स है तो ये डी एक्स हो गया। अब देखिए, sec एक्स का जो होता है वह इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sec एक्स का जो है वह इंटीग्रेशन जो होता है वह हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए, आपको हम बताए हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ sec एक्स, sec एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड sec एक्स प्लस tan एक्स, sec एक्स प्लस tan एक्स और ये प्लस सी, ये होता है।
यहाँ पे देखिए एक्स के स्थान पर ये पूरे हैं, तो ये पूरे भाई साहब को हम ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू लॉग मोड ये सेक एक्स के स्थान पर ये एक्स प्लस फाइव बाय फोर है, फाइव बाय फोर प्लस ये टेन एक्स प्लस फाइव बाय फोर और ये प्लस सी, ये जो है वह इसका फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सिक्स नंबर क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके सेवन नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।